फॉरेस्ट, ओके, एंड बेम्बू ऑल्सो वी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. सो मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स आर देयर दैट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन. आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? डिफॉरेस्टेशन. नाउ डिफॉरेस्टेशन इज वॉट? डिफॉरेस्टेशन को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? सो वी नाउ नो दैट फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड. हाउएवर, सम ऑफ अस कट डाउन ट्रीज इन एन अनप्लान्ड मैनर ड्यू टू अवर सेल्फिश इंटरेस्ट. मीन्स टू फुलफिल अवर सेल्फिश इंटरेस्ट वी पीपल आर कटिंग द ट्रीज. मीन्स वी आर हार्मिंग द इन्वायरमेंट. हम लोग जो है ट्री को कट करके क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं. ठीक है, तो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री, व्हेन लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज डन, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अगर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. ठीक है, एंड डिफॉरेस्टेशन इट इज वन ऑफ द मीन्स ह्यूमन बींग कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. नाउ वाई ह्यूमन कट ट्रीज? वाई इज इट, वट इज द, वट आर द, यू कैन से इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ पीपल. तो कौन सा हम लोगों का अपना जो है सेल्फिश इंटरेस्ट है जिसके वजह से हम लोग पेड़ को काटते हैं? तो नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर. यू नो इन इंडिया द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. सो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट बिग ह्यूज पॉपुलेशन, ओके, उतने बड़े पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करना, मीन्स पीपल नीड शेल्टर टू लिव. सो वॉट वी पीपल आर डूइंग, लैंड्स आर लिमिटेड, सो वी आर क्लियरिंग द एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट टू इंक्रीज द लैंड एरिया. नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, लोगों को ज्यादा जगह चाहिए हाउसेस बनाने के लिए. इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, हाउसेस के लिए, या फिर इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए. और लैंड तो लिमिटेड है, तो लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट की कटाई करते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट को लोग जो है उसकी कटाई करते हैं. नाउ आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम अदर्स, अदर्स अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी, यू अंडरस्टैंड द, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? यस अदर्स, टेल यस मैम, यस मी, मैम, डिफॉरेस्टेशन इज, मैम, यस, कट डिफोरेस्टेशन कटिंग ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. अगर ऑन लार्ज स्केल इफ कटिंग इज डन, यस प्रांजल, टेल मी, प्रांजल बताओ, प्रांजल, पंखुड़ी, यू टेल मी, पंखुड़ी, यस मैम, यस, कटिंग डाउन ऑफ न्यू ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. नॉट न्यू ट्री, कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अगर बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा गया तो उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. तो पहला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन, क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन के लिए? तो पीपल वॉन्ट टू फुलफिल देयर ओन सेल्फिश नीड. लोग जो है अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, कौन कौन सा नीड? नीड लाइक हाउस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री, फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल लैंड, पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट. कौन सा नीड्स हैं? जैसे हाउस बनाने हैं, घर बनाना है अपना, तो लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करते हैं. ठीक है, फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करना है, लैंड तो लिमिटेड है, इंडस्ट्री को लगाना है, तो लोग क्या करेंगे? फॉरेस्ट की कटाई करेंगे, क्योंकि लैंड जो है हम लोगों के पास सीमित है. ठीक है, हम लोगों के पास अब लैंड नहीं है कि और ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाए जाए, तो लोग क्या करने लगते हैं? लोग जो है वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करते हैं. सिमिलरली फॉर व्हाट, फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लैंड चाहिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट विच इज गिवेन इन योर बुक इज नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर.
लोग क्यों फॉरेस्ट की कटाई करते हैं? क्योंकि ज्यादा लैंड चाहिए हाउस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लकड़ी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वुड चाहिए, तो फॉरेस्ट की कटाई होगी। नेक्स्ट, नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज, कुछ खास काम के लिए ट्रीज जो है उसका यूज होता है। दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम, मीन्स जिस तादाद में लोग प्लांटिंग नहीं करते हैं, ट्रीज लगाते नहीं हैं, उससे ज्यादा तादाद में लोग पेड़ों को काट देते हैं। एंड वी नो फॉर डेवलपमेंट, फॉर ग्रोइंग मीन्स व्हेन वी वांट टू ग्रो अ ट्री, इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम चाहिए ट्री को ग्रो करने के लिए। तो ग्रो करने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीज की कटिंग कर देते हैं, और इस तरह से क्या होता है जो है डिफॉरेस्टेशन वाला प्रॉब्लम अराइज होता है। मतलब ज्यादा प्लांटिंग नहीं करेंगे, उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे किसको, फॉरेस्ट को। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो दीज आर द रीजन, ये सब रीजन दिए हुए हैं व्हाई ह्यूमन कट फॉरेस्ट, टू फुलफिल देयर स्पेसिफिक नीड, यस फॉर स्पेसिफिक यूज दे आर कटिंग द फॉरेस्ट, देन फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री, फॉर एस्टेब्लिशिंग व्हाट हाउसेस, देन फॉर मेकिंग हाउसेस, फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, देन फॉर एग्रीकल्चरल लैंड दे आर कटिंग द फॉरेस्ट। सच एक्टिविटी आर लीडिंग टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन द फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ। ये जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, ये पूरी तरह से क्या कर रही है, नेचर को डिस्ट्रॉय कर, डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? फर्स्ट इज डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया। हमारे एरिया में, जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, वहां अगर पेड़ ज्यादा नहीं रहेंगे तो रेनफॉल का जो परसेंटेज है, मीन्स रेन जो है वो कम होगा। डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया, हमारे सराउंडिंग एरिया में रेनफॉल का परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोस्फियर, दैट कैन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग पेड़ों की कटाई किए, तो वी नो दैट ट्रीज आर द व्हाट द ट्री डू, दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन देयर इज नो ट्री, देन इट इज गोइंग टू, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट व्हाट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज मोर एंड मोर। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन विल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोस्फियर, वो अमाउंट ऑफ CO2 को बढ़ा देगा। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन सॉइल इरोजन दैट कॉज मोर फ्रिक्वेंट फ्लड, और सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा जिससे कि फ्लड वाला प्रॉब्लम अराइज होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल का हैबिटेट जो होम है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, मींस खत्म हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये सारे जो हमने डिस्कस किए, ये सब के सब डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स हैं, लाइक डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, देन इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, बिकॉज नथिंग इज देयर, वी नो दैट रूट ऑफ ए ट्री बाइंड द सॉइल, इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट नथिंग इज गोइंग टू बाइंड द सॉइल, एंड सो देयर विल बी सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल का हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मीन्स वो होमलेस हो जाएंगे। एंड वी नो दैट प्लांट कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो प्लांट विल डाई। प्लांट जो ट्रीज तो रहेंगे नहीं, प्लांट खत्म हो जाएगा अगर सारे ट्रीज, तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे, एनिमल्स होमलेस हो जाएंगे, बिकॉज वी पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स बाई डूइंग वॉट, बाई डूइंग द डिफॉरेस्टेशन। रिवर्स ऑक्सीजन, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। नाउ इफ देयर इज नो एनी प्लांट, ओके, देन व्हाट विल हैपन, नेचुरली द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज इन द एटमोस्फियर। क्या होगा, इफ प्लांट्स आर नॉट देयर देन
the percentage of carbon dioxide is in will increase, because we know that plants take carbon dioxide. So this is the first effect of deforestation, that percentage of CO2 will increase. Carbon dioxide ka percentage kya hoga beta? Badh jayega. ठीक है. सेकेंड नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सॉरी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. जो जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाए. ठीक है, क्योंकि बारिश होगी नहीं, तो बारिश अगर नहीं होगी तो जो रेन वाटर उसको रिचार्ज करता है वो रिचार्ज नहीं करेगा, और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. देन इंक्रीज इन सॉइल इरोजन. मैंने अभी बताया कि इफ रूट्स आर नॉट प्रेजेंट देन रूट इज बाइंडिंग द सॉइल, देन द सॉइल विल बी नेकेड एंड सो विंड एंड वॉटर विल कैरी द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. सो दिस इज सॉइल इरोजन. तो अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन के इंसिडेंट्स जो है बढ़ेंगे, यानी मिट्टी का ज्यादा कटाव होगा, यानी अपर फर्टाइल लेयर विल बी रिमूव्ड ड्यू टू विंड और वाटर. विंड या वाटर की वजह से जो ऊपर का फर्टाइल लेयर है वो चला हट जाएगा. ठीक है, ओनली बैरन लैंड विल बी लेफ्ट. ऐसा जमीन बच जाएगा जो कि उपजाऊ नहीं होगा. यस, so this is the meaning of this is the effect of deforestation. then destruction of habitat, it is also very much important. jo habitat matlab hota hai home, habitat means home, the dwelling place where the animal is living. okay, wo animals ka rehne ka jagah. theek hai, that is the dwelling place, habitat. so habitat will be destroyed. ye animals jo hai inka habitat destroy ho jayega. jo bhi wild animals forest mein rehte hain unka ghar unse chheen jayega. theek hai, so they have to move to some other place. wo koi aur jagah unko jana padega in search of shelter. shelter ya habitat matlab wo unka habitat hi destroy ho jayega, to they have to move from that place. unko us jagah se hatna padega. डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम से उबरने के लिए टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई नॉट टू कट द ट्रीज एज वैभव सेड. वी कैन मेक नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. व्हाट व्हाट रिपीट योर आंसर. सेंचुरीज मैम.